हाय दोस्तों, कैसे आप सब? आरकेट पेज में आपका स्वागत है। देख सकते हैं गाड़ी है टाटा हाइबा 2518 VS4। गाड़ी में कंप्लेंट ये है कि गाड़ी थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाने पर गाड़ी फुल रेस हो जाती है और कभी सभी रेस छोड़ देती है। चलिए चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए करते हैं उसको स्टार्ट, इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। देख सकते हैं चेक लैंप आ गया, चेक लाइट आई थी चली गई, देख सकते हैं फिर आ गई। तो करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम एक्सीलेटर लेंगे, देख सकते हैं एक्सीलेटर लिया, ज़रा सा एक्सीलेटर दबाया है मैंने, गाड़ी फुल रेस हो रही है। देख सकते हैं, आपको बताता हूँ नीचे आके हाथ से दबा के बताता हूँ आपको। देख सकते हैं ज़रा सा दबाया, बिल्कुल ज़रा सा गाड़ी फुल एक्सीलेटर हो गई। चलिए करते हैं इसका वोल्टेज वगैरह चेक, वायरिंग वगैरह चेक। तो करते हैं इसको चेक मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को 20 पे करना है, कपलर निकाल, कपलर निकाल के मल्टीमीटर 20 पे कर दो। 20 पे करने के बाद चेक करते हैं 5 वोल्ट, दो में 5 वोल्ट आएगा। तो देख सकते हैं 5 वोल्ट, एक वायर में 5 वोल्ट आ गया और ये दूसरे वायर में 5 वोल्ट आ गया, बाकी कोई से वायर में कोई वोल्ट नहीं है। चलिए चेक करते हैं ग्राउंड, मल्टीमीटर करते हैं कंटिन्यूटी पे। देख सकते हैं बीप का साउंड आएगा, देख सकते हैं ये ग्राउंड है। और ये अपना ग्राउंड का वायर, चलिए दो में ग्राउंड आ गया और कोई से कोई वोल्ट नहीं है। दो में हमें सिग्नल चेक करना है, उसी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं ECM तक। देख सकते हैं दोस्तों, हमने ECM से एक्सेलेटर बेडल तक कंटिन्यूटी चेक की तो हमें कंटिन्यूटी एक बार मिली नहीं। देख सकते हैं हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है, प्रॉब्लम मिली है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे छुपी हुई थी, ये देख सकते हैं। मुश्किल से देखिए ये वायरिंग छिला गई है, कट गई है बेल्ट में आके, इसी कारण से गाड़ी कभी कभी एक्सेलेटर छोड़ रही थी, कभी कभी एक्सेलेटर छोड़ देती थी। देख सकते हैं हमने पूरी टैपिंग कर दिया, जो बार कट रहा था जॉइंट मार दिए हैं। चलिए अब इसको पूरी टेपिंग करके ओके करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरी अपन ने टेपिंग कर दी, पूरी अच्छे से वायरिंग कर कुरा के टेपिंग लगा दी है, ठीक है। इसका RPM वगैरह भी नहीं चल रहा था, RPM वगैरह भी कर दिया है। ड्राइवर कंप्लेंट थी कि RPM बहुत दिन से बंद है, तो RPM भी इसका कर दिया। चलिए करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, देखते हैं फिर अपनी गाड़ी ओके हुई या नहीं। देख सकते हैं स्विच चालू कर दिया हमने, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है, एक्सीलेटर धीरे धीरे दे रहे हैं, एक्सीलेटर धीरे धीरे ले रही है। देख सकते हैं हमारी गाड़ी ओके हो गई, मैं आपको जाके बताता हूँ नीचे से। पहले अपन जरा सा एक्सीलेटर दे रहे थे तो गाड़ी फुल एक्सीलेटर हो रही थी, अब देखते हैं। देख सकते हैं आप सुन पा रहे होंगे, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है एक्सीलेटर, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, हमारी गाड़ी में वायरिंग फटी हुई थी, ये दिक्कत थी। ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।